नवग्रह की नगरी खरगोन में नए वर्ष के शुरुआती दौर में नगरपालिका प्रशासन के तत्वावधान में नवग्रह मेले का आयोजन किया जाता है। हम आपको बता दें कि अच्छी ख्याति प्राप्त करने के बाद खरगोन का नवग्रह मेला अव्वल दर्जा प्राप्त कर चुका है, जहां प्रदेश के कोने कोने से व्यापारी व्यवसाय करने पहुंचते हैं और खासा व्यापार करके ले जाते हैं। मगर सूत्रों से मिली जानकारी में बात की जाए तो प्रतिवर्ष अनुसार मेले में लग रही दुकानों के स्थान में इस वर्ष परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी भनक लगते ही खरगोन के व्यापारियों को व्यवसाय की चिंता सताने लगी और सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन के माध्यम से इस बात की सूचना दी कि मेले में लग रही दुकानों के स्थान को परिवर्तित नहीं किया जाए। वहीं मीडिया से रूबरू व्यापारी साजिद खान ने बताया कि दुकानों के स्थान परिवर्तन से हमारे व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चिंता हमें दिमाग की तरह चाट रही है, और समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये नवग्रह मेला भरने वाला है, खरगोन की बात कर रहे हैं, तो उसी में कुछ परिवर्तन किया जाना इस तरह की जो सूचना है, इसके बाद आप लोगों एक शिकायत लेकर आए, क्या शिकायत है आप लोगों की और क्या चाहते हैं? हमारी ये शिकायत है कि हम बहुत पुराने व्यापारी हैं और शुरू से वहाँ मेला वहीं पे लगता आ रहा है और हमारी जहाँ पर दुकानें लगती है वहीं पर दुकानें लगाएंगे, और नगर पालिका ये चाहती है उसमें संशोधन नक्शे के अंदर, जो हम नहीं चाहते कि संशोधन नहीं हो, अगर संशोधन होगा तो हमारा व्यापार प्रभावित होगा और नए व्यापारियों के लिए भी जगह पर्याप्त है, और यही सुंदरीकरण मेले का रहता है जो हमेशा से जो मेला लगते आ रहा है, और अगर इसके ऊपर भी अगर नगर पालिका अगर अपनी नक्शा चेंज करेगी तो हम लगने नहीं देंगे मेला, और अगर मौका आया तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम तमाम सभी व्यापारी ये चाहते हैं कि मेला जिस जैसा लगता है वैसा ही लगे, और हम इसका विरोध, मेरा नाम शेख साजिद, हम ये चाहते हैं कि जैसा मेला लगता आ रहा है वैसा ही लगे, उसमें हमारा व्यापार चलता है, अगर नवीनकरण करते हमारा बहुत नुकसान होगा। हम इस तरह के परिवर्तन की बात करें, नगर पालिका चाहती कुछ लाइन बदलने की, फेर बदल की बात कह रही है नगर पालिका, तो हम सभी व्यापारी ये चाहते हैं कि जैसा रहे वैसा ही होना चाहिए, तो सब व्यापार किस तरह की परेशानी आएगी? हमारी परेशानी भूमि अगर इधर उधर होती है तो हमारा व्यापार खत्म होगा, उससे प्रतिवर्ष जैसा लगा रहता है सुचारू रूप से चलता आ रहा है, अगर बदलाएगी तभी कोई भरोसा नहीं हुआ व्यापार चल पाए नहीं चल पाए। अगर मनमानी की जाती है, अदला बदली की जाती है, परिवर्तन किया जाता है तो क्या कदम उठाएंगे दुकानदार? सभी मिलकर आंदोलन करना चाहते हैं। क्या नाम है? राकेश सोनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।